हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज ये मेरा सेकंड ब्लॉग है। आज मैं आपको अपने सेकंड ब्लॉग में अपने घर में लगे प्लांट्स को दिखाऊंगी। हमारे घर सभी को प्लांटिंग का बहुत शौक है, इसलिए आइए देखते हैं हमारे घर के प्लांट्स। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये अनार का पेड़ है। ये हमारे घर के आंगन में लगा हुआ है और इसमें अनार भी काफ़ी बड़े साइज के हुए हैं और हमारे घर के अनार बहुत ही मीठे हैं। इसके बाद आप देखेंगे ये है जाम का पेड़। जाम के पेड़ में भी जाम अभी बहुत अच्छे तरीके से उग चुकी है। ये देसी जाम है और ये दिखने में कच्ची ज़रूर लग रही पर ये बहुत मीठी होती है। इसके बाद है इलायची का। इलायची जब मैं लेके आई थी तो बहुत ही छोटी थी और अभी काफ़ी ग्रो कर रही है। ये घास के जैसे ग्रो करती है। उसके बाद है ये पारिजात का पौधा। पारिजात के पौधे की खासियत यह है कि इसके फ्लावर रात में खिलते हैं और बहुत ही सुंदर खुशबू आती है। इसके बाद आप देखेंगे तो बहुत सारे सो प्लांट है हमारे घर पर और ये सब हम लोगों ने ना फूटी हुई बाल्टी या DIY कर रखा है। हम लोगों ने कोई भी प्लास्टिक हम लोगों ने वेस्ट नहीं किया है, रीयूज़ किया है। ये है पान का पौधा, ये सो प्लांट है, ये भी सो प्लांट दिख रहा है आपको। बहुत सारे पौधों का तो मुझे नाम भी नहीं पता है। ये हमारा देसी गुलाब है, मनी प्लांट है। इसके बाद अभी आप देखेंगे तो ये हमारा देसी गुलाब फिर से, ये इसको बोलते हैं सदा सुहागन का फूल बोलते हैं इसे। ये हमारा गुड़हल का, हिबिकस जिसे कहा जाता है, और ये हमारे घर का फेवरेट प्लांट मीठी नीम। और ये बेल है, ये सेमी की बेल है। इसके बाद आप फिर से देखेंगे देसी गुलाब, मनी प्लांट और ये मीठी नीम पत्ती। ये तुलसी का पौधा है और ये है अंगूर की बेल। इसे आप देख रहे हैं ना, ये अंगूर की बेल है। ये भी हमारे घर पर बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। ये फिर से आ गया हमारा हिबिकस, गुड़हल का पौधा आ गया, ये मीठी नीम। इसके बाद आप देखेंगे तो ये सारे फ्लावर प्लांट। ये हमारा पपाया का है, अभी इसमें ये बहुत छोटी छोटी पत्तियाँ आना शुरू हो गई हैं। इसके बाद फिर से गुड़हल आ गया और ये सब हम लोगों ने टूटी बाल्टी वगैरह सब चीज़ हमने यूज़ की है। और ये स्नेक प्लांट है, ये बहुत ही ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है। आप इसको कहीं भी अपने घर पर रख सकते हैं, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है ये। ये दिख रहा है आपको, ये गिलोय की, ये गिलोय का बेल है। बहुत ही आयुर्वेदिक में इसका बहुत ही यूज़ है। इसको आप पी सकते हो उबाल के, इसका पानी आपको सर्दी खांसी में बहुत फ़ायदा करेगा। एलोवेरा है। हमारे घर करीब 200 से 400 प्लांट होंगे, काउंट नहीं किया मैंने, मैं अंदाज से बता रही हूँ। और सभी को शौक। ये हल्दी का पौधा, ये जो आप देख रहे हैं ये हल्दी का पौधा है। ये थोड़ा ग्रो करेगा, उसकी जड़ों से हल्दी निकलेगी, क्योंकि हमारी मम्मी जी को भी प्लांटिंग का बहुत शौक़ है। ये तुलसी है, वो समझा रही हैं हमें, मुझे क्या क्या प्लांट का नाम है। ओके, थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक द वीडियो।